नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन भक्ति मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज एक बार फिर आचार्य चाणक्य जी के विचारों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के एक ऐसे दार्शनिक, संत, कूटनीतिज्ञ थे जिनकी कोई सानी नहीं है। ये मगध सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे। उस समय सिकंदर विश्व विजेता बनने के सपने को लेकर कई अन्य देशों को जीतते हुए भारत पर भी आक्रमण किया। उस समय चाणक्य ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सिकंदर को भारत की सीमा से मार भगाया। वास्तव में चाणक्य जी के ऐसा संत आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। इनके विचार बड़े ही सरल और सटीक हैं। आज इनके कुछ ऐसे कथनों को लेकर के आया हूँ जिसे अपनाकर मनुष्य जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है और अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जी सकता है। तो आइए सीधे वीडियो में आगे चलते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को भी दबा दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। सौ धन्यवाद। दूध के साथ मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। अतः हमें सदा अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। जो व्यक्ति गलत कार्य करने में न तो संकोच करे और न ही लज्जा महसूस करे, उससे दोस्ती मत करो। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि झगड़ों में कई बार बेगुनाह भी फंस जाते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में विष होता है। मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी मत दो। बुरे लोगों के मीठी बातों पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। जैसे बाघ हिंसा करना कभी नहीं छोड़ता है। गलत दिशा में भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलना। जितना कम बोलोगे उतना पसंद किए जाओगे। प्रशंसा से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे व्यक्तित्व को घुन की तरह चाट जाती है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी बातों को अनदेखा ही करेगा और लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर दोनों में मूर्ख कौन है। जीवन के तीन मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए।